हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल परियन पे ब्लॉग। आज एक्चुअली आज हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं। मेहमान तो नहीं है, मम्मी सास ससुर हैं, तो वो काफ़ी टाइम के बाद, मान लो काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। आए भी नहीं है, बल्कि कहीं फंक्शन है फैमिली उनके उसमें, तो वो वहाँ गई है। वहाँ पे परी रिम्पी भी गई है, तो जैसे वो वहाँ पे उन्होंने अपना नया घर बनाया है, उनका जो बड़े वाला लड़का, उन्होंने खुद डिजाइन किया है सब कुछ, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग में बाहर से टैलिन वगैरह सब कुछ बाहर से मंगवा के तब उन्होंने अपना फ्लैट तैयार किया है लिफ्ट के साथ। तो आपको हम वाला ब्लॉग भी डालेंगे, तो आपको बताना कि आपको कैसा लगा। दूसरा, आज मम्मी पापा घर पे आ रहे हैं सास ससुर, तो आपको बताना कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी पापा मम्मी थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि देवांश तीनों बच्चे और इनके पापा गए हैं वहाँ पे। तो मेरी एक्चुअली तबीयत ख़राब थी भी, मतलब है भी, फीवर भी है, तो अभी दवा ली है, तो अभी थोड़ा आराम है, तो अभी उनका ही वेट कर रही हूँ। तो अभी हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल पर दुनिया। तो आज हम एक फंक्शन में आ रखे हैं दादी के यहाँ पे, इसलिए रखा है क्योंकि इनका तो 4 मंजिला घर था ना, इन्होंने लिफ्ट लगवाई है, इसलिए हम आए। और ये देखो कितनी सुंदर डेकोरेशन है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी, और अभी मैं आपको माजी से मिलवाऊंगी और घर भी दिखाऊंगी 4 मंजिल। दादू हेलो बोल दो। हेलो, हाय क्यूट दादू। और ये भी, ठीक है चलो चलते हैं। हेलो, ये मामू तो मिल रही, मामू तो नमस्ते करिए। मिले थे बाहर, मिले थे हम। हेलो, ठीक है आज ये बुआ चलेगा, ये बुआ जी है दुनी से बुआ। हेलो, हाँ ये ब्लॉग बना रहे हैं, देखती चलो। अभी तो दो तीन महीना हो गया, अच्छा क्या क्या चीज़ चीज़ है।
बस यही था, आप बताना आपको घर कैसे पड़ा तो मान जी को याद हुआ जब पर की तो बहुत जरूरत है हां ना ये तो पूरा कर के मेरा हो गया रोज आप नहीं कर क्या हो रहा है बहुत अच्छा डिजाइन है बहुत अच्छी मैं चारों फ्लोर देखो बहुत अच्छा है, ऊपर सबसे ऊपर वाला बालकनी भी किचन भी दोनों रूम भी सब दिखाए मेरे को अभी यूट्यूब में देख वीडियो भी देखी देखा नहीं तुझे बस फ्लोर पे वो कुछ लगा रखी है अपन ने ठीक है तो फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं, हमारे दादू भी आ गए हैं अभी जीनों पे हैं। चलो मिलवाते हैं आपको। दादू मैं आप कितनी देर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मुझे पता ही नहीं लगा। पापा पार्क करेंगे। चलो चलो ऊपर सामान उतार दो। मैं वाजी के साथ आऊँ। ओके मैं चलती। माजी दादू मामा माजी दादू आ गए। रुको ऊपर आए तो अभी पार्किंग पे धान है। क्या लेके आई मिठाई? मिठाई माजी की होगी। नहीं हमारी है। माँ जी को मिली होगी। अब
भाई जी बहुत कंफ्यूज हो गई यार मैं अभी रुक की करा तो मैं रुकना पड़ा है भाई सब ने भेज भेज का है सीमा भी मर गए ले गए सब ने छोड़ के जो भाई ना चल भी गई ना चल मेरे ख्याल में जो कहती हम रुक पाएंगे तो ये भी रुक जाएंगे सामान सामान सब कर रखा है नहीं कब कल आओगे बैठकर सामान तो काम होगा रहते रहते बैठ कर रहते खाली खाली हो जाएगा सारा घर फिर छोटे छोटे कमरे में है सब कुछ एक डबल बेड एक बार अरे तू बाढ़ तो नहीं आओगे ना तो कुछ ना आओगे ना ते पत्ते आम क्यों नहीं चलते सब कुछ नया सब कुछ बैठ में सब सोफे सब डाइनिंग सब क्या है और काम करने से कर सकते वो जो ना आओगे ना तो दो ना ते पत्ते ले आम क्यों नहीं चलती है कहाँ समझते ते पत्ते ठीक है ना जी तरह कल पी क्या ना वो बड़वा दी छोड़ा मैं काम करना छोड़ कर देगी दो दिन पाते फिर बात जाएगी तू दो तारीख ने दो दिन पहले जाएगी बात जाएगी दो दिन भाई नाम रूप पसंद तेरे को ले लिए डाबड़ी मोड़ पे भाई कुछ पसंद पिछाड़ में नहीं आता अरे तू क्यों बावड़ी हो रही है भाई ना जो तो सब कुछ खा जी कुछ भी बदल लो खाऊं सी सब क्यों बदल रहा है घर की क्या बिल्डिंग बनेगी सब कुछ बदल रहा है और आज क्या अभी सब कुछ बदल गया है तरक्की भाई 10 साल हो गए 10 के फालतू 12 हो गए सो जाना भी साढ़े ओके फाइन तो गाइस ये मेरी भाभी है रेनू भाभी है और इनका चैनल है यूट्यूब पे प्लीज सब्सक्राइब करो परी डिम्पी की दुनिया के नाम से उस पे बच्चों के भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है भाभी ने और जरूर सब्सक्राइब कर लेना वरना भाभी घूम जाएगी।